हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सारी नॉन टीचिंग वैकेंसीज, और ये नॉन टीचिंग वैकेंसीज जो हैं वो डायरेक्ट और डेप्यूटेशन बेसिस पर वैकेंसीज हैं। सबसे पहली जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं, टोटल 24 जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, यहाँ पर ये सभी वैकेंसीज जो हैं वो डायरेक्ट बेसिस पर हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये वैकेंसीज जो हैं वो हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से। ओके, नोटिफिकेशन दोस्तों 4 फरवरी को ये जारी हुआ है। ऑनलाइन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और बाकी जो पूरी प्रोसेस है सब कुछ आपको वीडियो में एंड तक बताएंगे। क्या लास्ट डेट है, कब तक आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अगर वो इस तरीके की जॉब ढूंढ रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप वैकेंसी देख रहे हैं वो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की, और उसके बाद है लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेवल 1 से लेकर के लेवल 14 तक की जॉब्स अवेलेबल हैं, और मोस्टली सभी में यहाँ पर एक एक वैकेंसी है। सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LDC में यहाँ पर टोटल 47 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट में 14 वैकेंसीज हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 5, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 35। इन सभी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, बाकी सब में एक एक वैकेंसी है। लाइब्रेरियन की 1, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की भी एक वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, हिंदी ऑफिसर, सिस्टम एनालिसिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, प्रोफेशनल असिस्टेंट, इन सभी में जो है एक एक वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल 140 वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर। और यहाँ पर सिर्फ एक वैकेंसी जो है वो आपकी डेप्यूटेशन बेसिस पर है, वो है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, जिसकी एक वैकेंसी है और लेवल 12 की ये जॉब है। डेट्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये लास्ट डेट जो है वो 6 मार्च है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ वैकेंसीज़ जो हैं, यहाँ पे देखिए जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिजर्व की गई हैं, जो कि यहाँ पर इन्होंने नीचे देखिए मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। 6 मार्च लास्ट डेट है, और 16 फरवरी शाम 6 बजे से पहले आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को बाई पोस्ट हार्ड कॉपी में भी सेंड करना है, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके दोस्तों, और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपके सामने है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, जो कि 4 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने इससे पहले हुए एडवर्टीजमेंट जो इनके आए हुए थे, जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर ये आपके सामने है और दूसरा एडवर्टीजमेंट नंबर ये आपके सामने, अगर उन्होंने अप्लाई किया था तो वो लोग यहाँ पर फिर से फ्रेश अप्लाई करेंगे, लेकिन उनको यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपके सामने सभी सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन, उनकी मैक्सिमम एज, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ओके, तो ये दोस्तों आपको खुद देखना होगा कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं आपको डिटेल में एक एक क्वालिफिकेशन आपको बताऊंगा। वैसे मोस्टली यहाँ पर बैचलर्स डिग्री और कुछ एक्सपीरियंस के साथ में यहाँ पर मोस्टली जो है पोस्ट के लिए यहाँ पर इसमें इन्होंने मांगे हैं। और दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताऊँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइब्रेरियन एकेडमिक लेवल 14 की जॉब अवेलेबल है, 57 इयर्स ऑफ मैक्सिमम एज यहाँ पे मांगा गया है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इन्फॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में विद 55% मार्क्स के साथ यहाँ पे इन्होंने मांगा है, एंड एटलीस्ट 10 ईयर्स एज अ लाइब्रेरियन। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, मोस्टली आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस वाली ही वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो ये पूरी वैकेंसीज आपके सामने हैं, और यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पर भेजने हैं, द रजिस्ट्रार डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश 47003, ये इनका जो है एड्रेस है। और क्लोज एनवलप आपका होना चाहिए विद इन 10 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, वो मैं आपको बता दिया है कि डेट क्या है। स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आपको फॉर्म भेजना है, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल या फिर जो है रिजेक्ट किया कर दिया जाएगा। एनवलप पे आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनाना होगा, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर एक इस रेक्टेंगल में शो किया गया, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, इस तरीके से आपको यहाँ लिखना होगा। और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर, पोस्ट किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, टू में यहाँ पर डिटेल लिखनी होगी, और फ्रॉम में यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी होगी। ओके दोस्तों, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो भी लोग दोस्तों एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको सेपरेट एप्लीकेशन जो है फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिसके और उसकी फ़ीस भी आपको अलग अलग ही पे करनी होगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है किस तरीके से इसमें सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फीस इसमें कितनी है। जनरल OBC EWS के लिए 1000, SC ST एक्स सर्विस मैन एंड वुमेन के लिए यहाँ पर 500 रुपये है। PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है।
ओके अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें आपको अप्लाई करना है। ये दोस्तों इनका रिक्रूटमेंट पोर्टल है जो कि समर्थ पोर्टल जिसको कहते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और कई सारी अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो सेम पोर्टल है, यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ईमेल डालेंगे, दो बार पासवर्ड कन्फर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करके साइन अप करेंगे और अपना OTP और अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो वेरीफाई कोड यानी कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म रहता है दोस्तों, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फॉर्म फिल करके भी दिखा दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो, नहीं तो आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर अप्लाई कीजिए, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, 140 वैकेंसीज़ हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर अप्लाई कीजिए। और दोस्तों इससे पहले एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी एक वैकेंसी आई हुई है जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा से, वहाँ से भी नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ बहुत सारी आई हुई हैं। तो जो लोग वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।